प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा से। आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन फिशेस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिशेस के अंदर कई प्रकार के अडेप्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, पॉइजन ऑर्गन्स या ग्लैंड्स, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स लगभग 6 ग्रुप्स ऑफ फिशेस में पाए जाते हैं। ये कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, यानी कि ये उपास्थिल एवं अस्थिल मछलियाँ दोनों में ही पाए जाते हैं। ये ऑर्गन्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फिश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये काफ़ी हाई वोल्टेज की भी हो सकती है, और इतनी हाई जिससे कि कोई भी शिकार को या तो वो पकड़ सकती है या अपने जो प्रीडेटर्स हैं उनको जो है दूर भगा सकती है, रिपेल कर सकती है। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये जो है इलेक्ट्रिक सेल्स इन फिशेस, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मसल सेल्स। बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ये मसल फाइबर्स से फिल्ड रहते हैं, और धीरे धीरे ये जो मसल से ये स्वेल अप होते हैं और फर्दर दे डिफ्रेंशिएट इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कॉन्ड्रिक्टस एज वेल एज ऑस्टेक्टिक्स, यानी कि उपास्थिल और अस्थिल मछलियाँ दोनों में ही पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्टस के अंतर्गत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं टॉर्पिडो, राजा, नारसीना। ऑस्टेक्टस के अंतर्गत इलेक्ट्रोफोरस, मॉर्माइरस, मैलेप्टरस और स्टार ग्रेजर्स, गेजर्स इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये चित्र जो है बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स लोकेटेड रहते हैं। जैसे कि टॉर्पिडो के अंदर ब्रेंकियल मसल्स में पाए जाते हैं, मॉर्माइरिडी में टेल मसल्स में, मेलेप्टरस में बॉडी मसल्स के अंदर, स्टार गेजर में आई मसल्स और इलेक्ट्रोफोरस में टेल मसल्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बेसिकली ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फिश। और ये जो है बहुत सारे डिस्क लाइक सेल से बने हुए रहते हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेट्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेट्स एक जेली लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल के अंदर एम्बेडेड रहते हैं एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन अ कंपार्टमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में चित्र देख रहे हैं, ये टॉर्पिडो का चित्र है जिसे कि इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो पर्पलिश स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ आपको राइट और लेफ्ट में नज़र आ रहे हैं। अब टॉर्पिडो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि टॉर्पिडो, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, ये जो है एक घात लगाकर शिकार करने वाली मछली है। इसकी जैसे कि बॉडी आप देख सकते हैं फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड है, और जो टेल है वो शॉर्ट है। ये ज़्यादातर रेत में दबी रहती है। जैसे ही कोई प्रे इसके पास आता है, वैसे ही विद इन हाफ अ सेकेंड ये अपने पेक्टोरल फिन्स द्वारा ऊपर और सामने की तरफ जंप करके अपने शिकार पर अटैक करती है। इसी दौरान इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही रे ऊपर उछलती है और लगभग आधे आधे मिनट के ये हाई वोल्टेज डिस्चार्जेस अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो शिकार है वो इमोबिलाइज हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज की वजह से शिकार शिकार जो है उसका शरीर का रंग लगभग काला हो जाता है और कई बार उसके स्पाइनल कॉर्ड भी इंजर हो जाती है। यदि ये जो शिकार है ये किसी वजह से किसी प्रकार से बच के और निकल जाता है तो कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक रे ये घातक सिद्ध होता है। अब आप देखेंगे कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है डिफरेंट फिशेस द्वारा वो टॉर्पिडो जो है लगभग 40 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है, राजा 4 वोल्ट्स, नारसीना 60 वोल्ट्स, मेलैप्टेरस 300 to 450 वोल्ट्स, इलेक्ट्रोफोरस 370 to 550 वोल्ट्स और स्टार गेजर 50 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है। अब यदि हम इसके वर्किंग के बारे में समझना चाहें तो जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, इलेक्ट्रोसाइट एट रेस्ट और इलेक्ट्रोसाइट व्हेन इट इज़ एक्टिव, ये जो है आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ सोडियम आयन्स हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन्स हैं। बेसिकली इसके अंदर एक पोटेंशियल ऑफ -100 mV मेंटेन रहता है ड्यू टू हाई इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स। जैसे ही एक्साइटेशन स्टेज आती है वैसे ही ये पोटेंशियल मोमेंटरली इन्वर्स हो जाता है और एट द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट्स ड्यू टू हाई इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द इलेक्ट्रोप्लेट्स। ये जो मोमेंटरी चेंज है ये एक पोटेंशियल बिल्डअप करता है +60 mV का या कई बार इससे भी ज़्यादा। दिस चेंज इन पोटेंशियल शिफ्ट्स टू एडजसेंट इलेक्ट्रोप्लेट्स एंड कॉजेज अ करंट फ्लो। इस पोटेंशियल शिफ्ट इस पोटेंशियल में चेंज की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉज होता है। इम्पल्स ऑफ एक्साइटेशन इज रिसीव फ्रॉम द ब्रेन थ्रू नर्व्स एंड ये जो डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इन पोटेंशियल है ये वेरी करता है स्पीशीज ऑफ फिशेस में। कईयों में ये डॉर्सल टू वेंट्रल होता है, कई में हेड टू टेल होता है या इसका उल्टा ठीक विपरीत यानी टेल टू हेड भी हो सकता है। अब काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिस्चार्जेस के अंतर्गत इलेक्ट्रोफोरस एक स्मॉल पल्स प्रोड्यूस करती है, फिर उसके बाद 4 लार्ज पल्सेस कॉन्सिक्यूटिवली प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक शार्क रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके अंदर। टॉर्पिडो में 4 लार्ज पल्सेस आर प्रोड्यूस्ड विच आर कंटिन्यूसली रिपीटेड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फिशेज हैं इनको मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हाई वोल्टेज डिस्चार्जेस, इसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक ईल जिसे कि इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक कैटफिश यानी मेलैप्टेरस इलेक्ट्रिकस और स्टार गेजर्स जो कि एस्ट्रोस्कोपस स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। लो वोल्टेज डिस्चार्जेस में मुख्य हैं राजा और जिम्नोटस। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ इस वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को सेंस कर सकती हैं जैसे कि पैडल फिश और प्लैटिपस जो कि एक फिश नहीं है बट इट इज़ इलेक्ट्रो रिसेप्टिव। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के कई फंक्शंस होते हैं जैसे कि दे हेल्प इन कैचिंग फूड, दे एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन अपनी सुरक्षा के लिए ये एक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज करंट या जो भी वोल्टेज है उसकी वजह से जो प्रे है या जो प्रीडेटर है वो दूर उसको भगा देती है फिश। एज अ वार्निंग डिवाइस अपनी खुद की प्रजातियों के लिए भी जो है ये एक वार्निंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है। और मेंटेनिंग टेरिटरी अपनी सीमा को मेंटेन करने में ये बहुत लाभदायक होता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ रिकग्निशन, यानी अपनी ही प्रजाति को पहचानने में ये मदद करता है. सो दीज वेर द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. थैंक यू.